हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर द वीडियोस। टुडे इज आवर टॉपिक इज ऑन बी एवरेजेस। बी एवरेजेस क्या होते हैं? दीज आर द स्टिम्युलेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो बॉडी को मसल्स को स्टिम्युलेट करते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं, तो उनको बोलते हैं हम बी एवरेजेस। तो जो बी एवरेजेस हैं वो एंशियंट टाइम से, पुराने टाइम से ही यूज़ करते आ रहे हैं और एक मेन फूड प्रोडक्ट पार्ट है ये, ठीक है, एक मेन रोल प्ले करते हैं हमारे फूड मटेरियल के अंदर। लेकिन अगर हम इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू हालांकि इनके अंदर बहुत कम है, फिर भी इनका जो स्टिम्युलेशन का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो हाई होता है और उसी वजह से ये मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड मटेरियल के अंदर। सो जो बी एवरेजेस हैं, जैसे ये बताया कि वो स्टिम्युलेट करते हैं मसल्स को, बॉडी को रिफ्रेशमेंट, अवेकनेस देते हैं। तो ये आपके दो टाइप से हो सकते हैं, फर्स्ट दैट कंटेन द एल्कोहलिक कंपाउंड्स एंड सेकंड दैट डज नॉट कंटेन एनी एल्कोहलिक कंपाउंड। सो एल्कोहलिक कंपाउंड जिनके अंदर होगा दैट आर एल्कोहलिक बी एवरेज एंड सेकेंड टाइप दैट इज नॉन एल्कोहलिक बी एवरेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द एल्कोहलिक बी एवरेज। जो एल्कोहलिक बी एवरेज है, इट मीन्स उनके अंदर एल्कोहल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये आपके दो प्रोसेस से बन सकते हैं, वन इज फर्मेंटेशन एंड सेकेंड इज डिस्टिलेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन, दो प्रोसेस से आपके एल्कोहलिक बी एवरेज है उनकी फॉर्मेशन होती है। जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन होगा और उससे आपके जो भी प्रोडक्ट तैयार हुए, ठीक है, इनकी एनारोबिक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। डिस्टिलेशन के अंदर होता है जब फर्मेंट जो किया हुआ प्रोडक्ट है उसको सेपरेट आउट करना, ठीक है। तो जो फर्मेंटेड एल्कोहलिक बियर बेस हैं उनके अंदर, जैसे बियर है या सिडर है जिसको हम एप्पल जूस बोलते हैं, या फिर बार्ले स्टार्च से जो भी एक्सट्रैक्ट मिलता है हमें बियर, तो ये दोनों आपकी जो फर्मेंटेड एल्कोहल के अंदर आती हैं। अगर डिस्टिल्ड ले रहे हो तो डिस्टिल्ड में आपकी जैसे विस्की है, सीरियल्स के से जो आपकी मिलती है, सीरियल्स को फर्स्ट हम फर्मेंटेड प्रोसेस से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, तो हमारी विस्की बनती है। इसी तरह से ब्रांडी है, रम है, ब्रांडी जो कि ग्रेप्स या अदर फ्रूट्स की हेल्प से बनाते हैं, रम है वो आपकी शुगर केन जूस से। वैसे तो जो रम है, ब्रांडी है, ठीक है, इनका मेडिसिनल यूज़ भी है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो कंजप्शन है, जो भी यंगस्टर हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं बी एवरेजेस के तौर पर, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। जो एल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं वो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है या इम्यूनिटी है उसको लूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए ड्रग, मतलब जैसे एज ए मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के थ्रू किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल हैबिट के अंदर आप एल्कोहलिक बी एवरेज को अवॉइड करें। तो जो एल्कोहलिक बी एवरेजेस हैं वो आपके फर्मेंटेड या डिस्टिल्ड फॉर्म में हो सकती हैं। जो सेकेंड टाइप है बी एवरेजेस की, दैट इज़ द नॉन एल्कोहलिक बी एवरेजेस। तो इनके अंदर क्या है, आपकी एल्कोहल है वो टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है, टोटली एब्सेंट होगी एल्कोहल, उसकी जगह पे आपके एल्कोलॉइड प्रेजेंट होगा, दैट इज स्पेशली कोफीन, ठीक है, कोफीन एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है। और जो कोफीन है वो अवेकफुलनेस क्रिएट करता है, सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, स्टिम्युलेट करता है मसल्स को। ओके, सो कोफीन इज प्रेजेंट इन नॉन एल्कोहलिक बी एवरेजेस। तो नॉन एल्कोहलिक जो बी एवरेजेस हैं उनके अंदर आपकी जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, ओसिमम प्रोडक्ट है, ऑक्सलिस है, रोज़ा है, विटिस है, तो ये सारे जो आपके नॉन एल्कोहलिक बी एवरेजेस के अंदर आते हैं। तो जैसे जो टी है दैट बिलोंग्स टू द साउथ ईस्ट एशिया, मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये एज ए बी एवरेज यूज़ की जाती है। लाइकवाइज कॉफ़ी साउथ ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, कोकोआ ट्रॉपिकल जो अमेरिका है उसके अंदर ये बी एवरेज की तरह से यूज़ की जाती है।
ठीक है, तो इनमें से आपकी जो टी और कॉफ़ी है वो हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे हमारे उनके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इनके अलावा जो आपकी फर्मेंटेड डिस्टिल्ड या फिर नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, इनके अलावा जो आपकी इम्पोर्टेंट बीवरेज हैं दैट आर द मेट, कैट, कोला, गुआराना, ठीक है। तो जो आपकी मेट और गुआराना है ये साउथ अमेरिका के अंदर फेमस ड्रिंक की तरह से यूज़ की जाती है। जो कोला है वो भी अमेरिका के अंदर है इम्पोर्टेंट बीवरेज मानी जाती है। कैट है दैट इज जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनके अंदर इसको फेवरेट बीवरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द बीवरेजेस, कितने टाइप्स की होती हैं, दैट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कैसे बनती हैं, फर्मेंटेशन से या डिस्टिलेशन से, या फिर अगर आप नॉन एल्कोहलिक ले रहे हो तो उसमें आपकी जो एल्केलॉइड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं और उससे आपकी बीवरेजेस की फॉर्मेशन की जाती है। ओके, होप यू गाइस गेट इट वेल, थैंक यू।